Hi friends, today in this lecture we are going to look at antifungal agents. इस lecture में हम देखेंगे antifungal agents होते क्या हैं. Antifungal drugs are used for the treatment of fungal infection, mycosis that may be superficial or deep infections. Fungal infection are susceptible to immune compromised patient due to the chemotherapy or antibiotic use. जो fungal infection होते हैं mainly हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन. प्राइमरी इन्फेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली हो सकते हैं ईस्ट से, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है लाइक मशरूम से, है ना. ये सब हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन होते हैं. सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं ड्यू टू द डिजीज. कोई पेशेंट अगर सफरिंग है किसी डिजीज से, टीबी से, डायबिटीज से, तो क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के अंदर आता है ये. एंटीफंगल ड्रग्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू द टू कैटेगरी, सिस्टमिक एजेंट एंड टॉपिकल एजेंट. नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीफंगल एजेंट्स. दीज आर द ड्रग विच किल और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगस इन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड आर यूज्ड फॉर द सुपरफिशियल एंड डीप सिस्टमिक माइकोसिस. सम फंगल इन्फेक्शन आर सेल्फ लिमिटिंग, गेट क्योर्ड विदाउट ट्रीटमेंट. क्लिनिकली फंगल इन्फेक्शन इन एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू ग्रुप्स. सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन इंक्लूड द डर्मेटोफाइटोसिस ऑफ द स्किन, हेयर एंड नेल्स कॉज्ड बाय द ट्राइकोफाइटोन. ट्राइकोफाइटोन मीन्स क्या होता है, जीनस ऑफ फंजाई पैरासाइट्स कॉज रिंगवॉर्म ईचिंग. ठीक. दूसरा है माइक्रोस्पोरम और इपीडर्मोफाइटोन. इपीडर्मोफाइटोन जो मीन्स आपका होता है, ये होता है कॉजिंग द सुपरफिशियल एंड कुटेनियस माइकोसिस इन्फेक्शन. एंड कैंडिडियासिस. कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है, मोनोलियासिस ऑफ द मॉइस्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआईटी एंड जेनाइटल ट्रैक्ट. सिस्टमिक डीप म्यूकोसिस, सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन, कोक्कीडियो डायोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोक्सिस, कैंडिडियासिस और ब्लास्टोमाइकोसिस. जो आपका ये होता है कोक्कीडियोमाइकोसिस जो होता है सीरियस फंगल इन्फेक्शन, फंगल डिजीज ऑफ द लंग एंड टिश्यू. ठीक है. ये आपका क्रिप्टोकोक्सिस जो होता है ईस्ट लाइक फंगल इन्फेक्शन हो गया. कैंडिडियासिस आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये भी कॉज्ड बाय द ईस्ट. एंड ब्लास्टोमाइकोसिस होता है अ डिजीज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद द पैरासाइटिक इन्फेक्शन. एंटीफंगल एजेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ एप्लीकेशन, सिस्टमिक एजेंट एंड टॉपिकल एजेंट. सिस्टमिक एजेंट दीज आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और जीआईटी. सम ऑफ दीज मे ऑल्सो बी यूजफुल इन द ट्रीटिंग ऑफ डर्मेटोमाइकोसिस बाय द ब्लड एंड एंटर द क्रिएटिंग प्रोड्यूसिंग सेल इन द स्किन. टॉपिकल एजेंट दीज आर यूज फॉर द ट्रीटिंग अ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, यूजली अप्लाइड टॉपिकली. ग्रीसोफ्लेविन. ग्रीसोफ्लेविन क्या होता है, सेकेंड ड्रग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग. इज यूज टू ट्रीट द डर्मेटोमाइकोसिस बट एडमिनिस्टर ओरली आफ्टर द एब्जॉर्प्शन एंटर इन द क्रिएटिन प्रोड्यूसिंग सेल इन द स्किन बाय द सर्कुलेशन. अ टॉपिकल एजेंट यूज टू डर्मेटोफाइटोसिस शुड हैव बोथ फंजिस्टैटिक एंड केराटोलाइटिक प्रॉपर्टीज, अदरवाइज इट शुड बी कंबाइंड विद द केराटोलाइटिक एजेंट सो दैट इट कैन बी रिमूव द क्रिएटिन लेयर एंड फैसिलिट द सर्विस कॉन्टैक्ट ऑफ द ड्रग एंड द फंगस. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीफंगल एजेंट्स. फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, इसके अंदर ए एंड बी दो पॉइंट है. पॉलिन्स, फर्स्ट पॉइंट है पॉलिन्स. पॉलिन्स के अंदर आता है एम्फोटेरिसिन बी, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट ड्रग ऑफ द एंटीफंगल एजेंट्स. शॉर्ट में इसे ए एम बी बोलते हैं. नाइस्टेटिन दूसरी ड्रग है. हमाइसिन, नेटामाइसिन. नेटामाइसिन को हम क्या बोलते हैं, पिमरेशिन भी बोलते हैं. दूसरा बी जो पॉइंट है आपका हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरिन आता है, जिसमें आपका दो सेकेंड ड्रग आती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज अ ग्रीसोफ्लेविन. नाउ द सेकेंड इज एंटी मेटाबोलाइज, इसके अंदर आता है आपका फ्लोसाइटोसिन. फ्लोसाइटोसिन को शॉर्ट में बोलते हैं 5FC. ठीक है. थर्ड है आपका एजोल्स. एजोल्स में आता है इमिडाजोल. इमिडाजोल में इमिडाजोल टॉपिकल, इसमें क्लोट्रिमाजोल होता है. इकोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सिस्टमिक कीटोकोनाजोल. कीटोकोनाजोल ये जो होता है आपका, जैसे शैम्पू क्रीम इन सब में भी ये क्या होता है, यूज होता है. जैसे आपका क्या होता है, जो फंगल है, फंगल इन्फेक्शन एज आपके हेयर, लाइक हेयर जो होता है स्काल्प में भी हो सकता है. ठीक. तो आपको डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए शैम्पू में कीटोकोनाजोल यूज़ करते हैं. ठीक.
नाभी पॉइंट इज ट्रायाजोल सिस्टमिक, इसमें फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और बोरी को कोनाजोल, इज द इट्रोकोनाजोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ द फोर्थ इज एलाइलामाइन, इसमें आता है टर्बिनाफाइन। फिफ्थ इज आता है अदर टॉपिकल एजेंट, जिसमें आता है टोनलाफिटेट, एंडीसाइक्लिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनोक्लोर और सिस्क्लोप्रोक्सलामाइन, ब्यूटिनाफाइन एंड सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, अब आता है इसके बाद पोलिन एंटीबायोटिक्स। पोलिन एंटीबायोटिक्स क्या होता है? द नेम पोलिन इज डराइव्ड फ्रॉम देयर हाईली डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। एम्फोटेरिसिन बी इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटोटाइप। एम्फोटेरिसिन बी इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस नोड्यूसिस। केमिस्ट्री अगर देखें तो द पोलिन पॉसिस अ मैक्रोसाइक्लिक रिंग, वन साइड ऑफ विच हैज द सेवरल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एंड इज हाईली लिपोफिलिक होता है। ठीक है, वाइल द अदर साइड इज हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग होता है, विद मैनी ओएच ग्रुप, अ पोलर अमाइनो सुगर एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है? अमाइनो सुगर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, आर प्रेजेंट होता है एट द वन एंड ऑफ द सम। दे आर ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। नाउ द मैकेनिक रिएक्शन ऑफ एंटीफंगल एजेंट। एंटीफंगल एजेंट का मैकेनिक रिएक्शन जो है, जैसे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स करता है कोई भी आर्गोस्टोरिल, तो क्या होगा अगर हम वही फंगल इन्फेक्शन की सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर दे या फिर डिस्ट्रॉय कर दे, डिसरप्ट हो जाए उसकी सेल, तो फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, वीक हो जाएगा यहाँ पर। इससे क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन वहीं पर इनिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दे रखे हैं एम्फोटेरिसिन बी बाइंड्स करेगा आर्गोस्टोरिल इन फंगल सेल मेम्ब्रेन से, तो फॉर्म्स करेगा पॉर्स इन सेल मेम्ब्रेन, सेल कंटेंट द लीक आउट हो जाएगी जिससे सेल की डेथ हो जाएगी और फंगल इन्फेक्शन वहीं पर इनिवेट हो जाएगा। नाउ द फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ द व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स होती है। अगर हम ओरली अगर कोई भी लेते हैं एंटीफंगल ड्रग्स, क्या होता है, पुअरली एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, पुअरली एब्जॉर्ब ओरली, अगर ओरली लिया तो पुअरली एब्जॉर्ब होगा। इनसॉल्युबल इन वाटर, सो कोलोइड सस्पेंशन प्रिपेयर्ड विद द सोडियम डीऑक्सीक्लोइड 1:1 कॉम्प्लेक्स 90% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, मेटाबोलाइज इन द लिवर स्लोली, एक्सक्रीटेड होता है इन यूरिन में। टी हाफ जो होता है वो 15 डेज का होता है। यूजेज होते हैं, यूजफुल ड्रग इन नियरली ऑल लाइफ थ्रेटनिंग माइकोटिक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, इन्वेसिव एस्परजिलोसिस। इसमें हमारा जैसे क्या होता है, इट इज कॉज व्हेन द सीरियस इन्फेक्शन अफेक्ट करता है दोज हू पीपल हैव द वीक इम्यूनिटी। रैपिड प्रोग्रेसिव ब्लास्टोमाइकोसिस एंड कोकिडोमाइकोसिस में होता है, क्रिप्टोकोकोसिस नियोफॉर्मेशंस में एंड म्यूकोमाइकोसिस में, एंड डाइसिमिनेटेड रैपिडली प्रोग्रेसिव हिस्टोप्लाज्मोसिस में। रिवर्स ड्रग फॉर द रेजिस्टेंट कालाजार में टॉपिकल इज। नाउ द थैंक यू।